दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि दोस्तों मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में आपका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी ग्रामीण बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है अगर आपको दोस्तों ये पता करना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है PFMS, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ PFMS, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है PFMS, ठीक है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में वेबसाइट आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो मैं पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस का, ठीक है। तो दोस्तों पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नो योर पेमेंट का ऑप्शन, आपको सिंपली नो योर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा बैंक का, ठीक है। तो दोस्तों आप जिस भी ग्रामीण बैंक का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है इसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस बैंक का यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जिसमें मेरा अकाउंट और जिसमें मेरा मोबाइल नंबर लिंक है उसका, उस बैंक का मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली उस बैंक का डालना है जिसका आप पता करना चाहते हैं, जिसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उस बैंक का आपको नाम डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ सबसे पहले बैंक का, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे आप बैंक का नाम डालिएगा यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको नीचे वाला ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का मैंने नाम डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा इंटर अकाउंट नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर भी डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर भी डाल दिया। उसके बाद दोस्तों नीचे में यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसको ही सिंपली आपको नीचे में यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली इस वर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वर्ड को यहाँ पे नीचे में टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंड OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो थोड़ा देर वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा यहाँ पे शुरुआत के यहाँ पे 2 डिजिट देखने के लिए मिल जाएगा और लास्ट के 3 डिजिट आपके मोबाइल नंबर का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट करना आप लोगों को भूलना नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।